बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगी। आज मैं बनाने वाली हूँ जो है मशरूम कढ़ाई। तो मेरे पास क्या क्या लगना है मशरूम कढ़ाई के लिए, वो सामान मैं आपको दिखा देती हूँ सारे। तो यहाँ पे ले हमने मशरूम है, यहाँ पे एक पैकेट थी, दस मशरूम थे ये छोटे बड़े मिला के। और यहाँ पर हमने लिया है, यह देखिए एक प्याज लिया है, इस तरह से हमने उसका जो है ये निकाल लिया है, ऐसे इस तरह से काट के निकाल लेने का। और यहाँ पे हमने लिया लाल शिमला मिर्च, ओके। तो यहाँ पे हमने दो टमाटर की प्यूरी बना लिया है, यहाँ पे हमने लिया है 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे हमने लिया है 8 से 10 काजू लिया, उसका हमने पेस्ट बना लिया है पीस के। यहाँ पे हमने लिया एक बड़ी साइज़ की प्याज, इसको भी बारीक कट करके रख लिया है। यहाँ पे 1 टीस्पून हमने जीरा लिया है और उसमें एक छोटी सी इलायची लिया है। यहाँ पे कसूरी मेथी है, धनिया है और ये दही है। तो चलिए सब कैसे कैसे जाएगा। 2 टेबल स्पून के आसपास दही है हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास थोड़े मसाले, तो यहाँ पे 1 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने लिया है जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो भी 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमने लिया 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने लिया है गर्म मसाला। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने कढ़ाई रखा, कढ़ाई में 1 टेबल स्पून हमने तेल डाल दिया है। अब इसमें डाल दूँगी प्याज को, थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और निकाल लूँगी फ्राई करके। तो यहाँ पे देखिए प्याज हो गया, मैं इसको निकाल लूँगी, ये देख रही ना बहुत अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, जैसा बाद में जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा फ्राई रहेगा तो अच्छा रहेगा, फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास शिमला मिर्चा नहीं हो या हरा लाल पीला जो भी वो डाल दीजिए, अगर वो भी नहीं है तो क्या करें, टमाटर का बीज निकाल के उसको इसी तरह से कट कर के उसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए 1-2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे मिर्चे भी फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। तब इसी तेल में हम जो है मशरूम को भी फ्राई कर लेंगे, उसको भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, 3-4 मिनट पका लेंगे दो फ्लेम पर। यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है बहुत अच्छे से, तब इसको जो है निकाल लेती हूँ। हमें निकाल लेना है पूरा। देखिए हमने अच्छे से इन सबको फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। तो वापस से हमने इसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून जीरा और एक छोटी इलायची। यहाँ पे देखिए जीरा हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटी हुई प्याज। यहाँ पे देखिए प्याज हो चुका है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से भून लूंगी, इसका कच्चापन काफी निकल जाए। यहाँ पे अदरक लहसुन की भुनाई हो चुकी है, जो हमारे पास मसाले हमने आपको दिखाए तो वो डाल देती हूँ इसमें। तो इसको भी थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी 1 टेबल स्पून। यहाँ पे देखिए मसाले की भुनाई हो चुकी है, मसाला जो है तेल छोड़ दिया है साइड साइड में। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो हमने 2 टमाटर की प्यूरी बना रखा था, ये डाल देती हूँ। अब इसी के साथ मैं डाल दूंगी नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, जैसे आप खाती हैं नमक इस टमाटर के साथ ही डालिएगा तो टमाटर जो है जल्दी गल जाता है, पक भी जाता है, ठीक है। तो इनको सबको मिला देती हूँ, इसको भी पकाऊंगी अच्छे से, ताकि जो है टमाटर भी मसालों के साथ मिल जाए और अच्छे से पक जाए और इसकी भुनाई हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। यहाँ पे देखिए मसाले की भुनाई अच्छे से हो गई है, तो अब मैं इसमें मशरूम डाल के 6-7 मिनट के लिए अच्छे से इसको भी भून लूँगी मसाले के साथ, ताकि इसमें जो है सारे मसाले जो है अंदर तक हो जाए। यहाँ पे मशरूम और टमाटर सारे मसालों के साथ अच्छे से भुनाई हो चुकी है इनकी। हमने इस तरह से मशरूम को कट किया है, ये देखिए ना, आप चाहिए तो लंबे लंबे पीस में 4 पीस कर लीजिएगा, ठीक है, 4-3 जैसे भी आपको मोटा रखना है। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काजू का पेस्ट 2 टेबल स्पून, ओके। आप यहाँ पे अगर काजू नहीं है तो आप मलाई, दूध पर की जो मलाई होती है ना, वो 2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। अब इनको अच्छे से मिला लूँगी। आप यकीन मानिए इस तरह से अगर सब्जी बना के खाएंगे ना, तो आप होटल रेस्टोरेंट में मशरूम की सब्जी नहीं खाएंगे, कढ़ाई मशरूम। तो चलिए मैं इसको भून लेती हूँ। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लिया करें। हाँ,
और दुआ में याद रखा करें। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पे देखिए, अब मैंने जो शिमला मिर्च और प्याज, अगर आप प्याज खाली डालेंगे तो ये दो प्याजा बन जाएगा। अब हमने इसमें शिमला मिर्च डाल दिया तो ये बन गया कढ़ाई मशरूम। ओके, और खाली प्याज डालेंगे तो ये बन जाएगा दो प्याजा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी और थोड़ी सी एक मुट्ठी हरी धनिया। ये देखिए, अब इन सब चीजों को अच्छे से मिला दूंगी। यहाँ भी देखिए, हमने सारी चीजों को मिला दिया। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। कोई चीज भी आप बनाइए तो उसमें गर्म पानी ही यूज कीजिएगा, ठीक है, साइड से डालने के। हमने दो टेबल स्पून इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और ठंडे, जैसे चिकन वकन है वगैरह है, ठंडे फ्रिज में रखा है और उसको आपको गर्म करना है, तो उसमें ठंडा ही पानी डालिए, गर्म मत डालिए। लेकिन गर्म चीज में गर्म ही पानी डालिए तो इसका टेक्सचर अलग से आता है, इसका टेस्ट उभर कर आता है, ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और यकीन माने, इस तरह से जो है मशरूम कढ़ाई बनाएंगे ना, तो वाकई बता रहे हैं आपको ना, आप होटल और रेस्टोरेंट में नहीं खाएंगे इस स्टाइल से आप बनाए। तो चलिए, मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसको और लो फ्लेम पे पका लेती हूँ ढक करके। तो यहाँ पे देखिए 6 से 7 मिनट हो गया है माशाल्लाह इसको पकते हुए, और अब ये पक चुका है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। बस मुझे इतनी ही थिक ग्रेवी चाहिए था, और बस अब इसको 5 मिनट के लिए मैं बंद करके छोड़ देती हूँ, और 7-8 मिनट के बाद मिलते हैं फिर। यहाँ पे चलिए मैं सर्व कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने एक छोटी से व्हाइट कलर की प्यारी सी खूबसूरत सी मसाला कढ़ाई लिया है। अब उसमें मैं जो है मशरूम कढ़ाई को एक कढ़ाई में डाल दूंगी। ये देखिए, इसलिए इस तरह से मैं सर्व कर लेती हूँ, और ये बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से आप जरूर बनाइएगा और घर पे इंजॉय करिएगा। हाँ, आप वहाँ पे कितना महंगा मिलता है होटल में और रेस्टोरेंट में, बहुत महंगा ये सब्जी मिलती है। और एक लोग के लिए अगर लेंगे तो कितना महंगा मिलता है, और इतने में हम घर भर पूरे घर खा सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा, हाँ, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लिया करें, और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।